पूरे सिंध की तरह रतोड़ में भी हालिया पड़ने वाले बरसातों के तबाह कारियों के बाद जो मुतासिर थे खुले आसमान तले बैठे हुए थे। कल से शुरू होने वाली बरसात ने उनके तकलीफों में इजाफा कर दिया। मुतासिर किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके तकलीफों में कितना इजाफा हो चुका है, आए मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। बरसातों में हमारे घर वगैरह गिर गए थे, ये दो तीन मकान बने हुए थे, पक्के मकान बने हुए थे, वो भी गिर चुके हैं। अभी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, खुले आसमान में बैठे हुए हैं। जैसे कल से बरसात चालू हो गया तो हम लोग सर्दी में, इतना सर्दी है, वो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, हम खुद परेशान हैं। अभी क्या करें, हमारे लिए कुछ ऐसा कोई इंतजामी भी नहीं आ रहा है, कोई हमारे ख्याल करे, कुछ भी नहीं मिला हमारे को। पहले तो बोल रहे थे हमारे को टेंट वगैरह मिलेंगे, या टेंट वगैरह मिले होते तो हम लोग फिर भी अपने आप को कुछ बंद कर लेते बारिश की वजह से। अभी इतना बारिश चालू हुआ है तो हम परेशान हैं, सर्दी भी ज़्यादा है, कुछ है भी नहीं। अच्छा, ये जो सर्वे करके गए थे कि पक्के मकान बना के देंगे, आपको मिले? नहीं, अभी तक नहीं मिलेंगे, आपके सामने हैं, कुछ भी नहीं है। बच्चे ऐसे बाहर बैठे हुए हैं खुले आसमान पे, इतना सर्दी है, क्या करें। ये कोई गर्म कपड़ा हो बंदा अपने आप को लपोड़े, कुछ कपड़ा भी नहीं है हमारे लिए। पहले बरसात थे, घर भर डही पे, असा वोटर आयो, असा के हाँ जाए दरख्वास्त क्यों असा ठहराए दियन कन, गरीब काटे वो फसल वसल सब शायद व्या खत्म थी, माल दाल जो आधेरा साधेरा उ भी व्या मरी खत्म थी। हाँ बचड़ा ये पटन से पाया, न को मन आया न को शाय, कुछ भी ना, ये पटन से पाया। पैरों बरसात में घर रही व्या, हाँ बरसात हले तो असा ये बीठा रंधा बार बच्चा कुछ भी असा न क्यों काटे वो। मां फोन क्या तो रिंग क्या तो रिंग भी ना असा ना खड़ने, ये हाँ छत हाल काटे वो। हम बरसात मुतासिर हैं, हमें कुछ नहीं मिला और अब भी हम दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं, अब बारिश चल रहे हैं, ये सोच रहे हैं तो हम करें क्या करें, हमारा कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई यहाँ आया हुआ है, ना कोई टेंट शेंट मिला, कुछ नहीं मिला अभी तक। हमारे ये खेत जाया हुआ, ज़मीन का, घरों का नुकसान हुआ, घर गिर गए, अब हम खाली दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं। उससे मुतालबा बिलावल भुट्टो से कर रहे हैं तो हमें कुछ मिले जो अपनों बच्चों का गुजारा करें, हम कहीं छुपाएं बच्चों को। मकान का अभी तो कुछ भी, मकान का कोई कुछ हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं मकान के लिए। मुतासिरों ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि पक्के घर बना के दिए जाएं। सर्दी की शदीद लहर है जिसकी वजह से हम अपनी बच्चों को बचा सकें। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली, HNN न्यूज़, रतोडेरो।